हाँ बोल सिरके। सर भाईंदर खाड़ी में एक आदमी की लाश मिली है। सर लाश के पास से एक बैग मिला है जिसमें करुणा का फोटो है। डेड बॉडी की पहचान हुई? सर बॉडी की अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है। डेड बॉडी की फोटो मेरे फोन पे भेजो। ओके सर। एक और मर्डर करुणा से लिंक। सर कहीं इस आदमी के मर्डर में भी करुणा का हाथ तो नहीं? करुणा का गायब होना सवाल तो कहीं खड़े कर रहा है। अब जानना ये है कि इसकी असल शख्सियत क्या है और उसके भाई भौमिक का भूमिका बनने का क्या राज है। प्रदीप गाड़ी घुमा। मेरा बेटा भौमिक से भूमिका कब बना मुझे नहीं पता। वो मुंबई क्यों गया मुझे ये भी नहीं पता। करुणा अपनी बेटी को लेकर मुंबई क्यों गई मुझे ये बात भी नहीं पता। मैं इस घर में एक सामान की तरह पड़ी रहती हूँ। मेरा पति भी मुझे पूछने नहीं आता। करुणा कभी कभी मेरी खबर लेती थी लेकिन अब कई दिनों से उसका भी फोन बंद आ रहा है। करुणा का नंबर देंगे आप? बेटा जरा फोन दे। सब इसमें है। The number you're trying to reach is switched off. विवाह शादी और कुआ पूजन में भूमिका हमारी साथी जाया करती थी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो जन्म से किन्नर नहीं था। तो तुम्हारे समुदाय में कैसे शामिल हुआ वो? भुखमरी। मतलब? उसके माँ बाप कोई धन्ना सेठ तो थे नहीं, इसलिए वो किन्नर बना ताकि इज्जत की नौकरी से दो पैसा कमाए अपना पेट पाल सके। अगर वो यहाँ पर बख्शीश मांगता था तो मुंबई क्या करने गया? वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। बम्बई इसलिए गया कि अपनी बहन से मिलके आए। उसकी बहन मुंबई रहती है? जी हाँ। मुंबई से सिर्फ भौमिक ही नहीं एक और लाश मिली और इसके बैग से करुणा की फोटो मिली है। मैं इसे नहीं पहचानती। करुणा तो अपने पति के साथ पुणे में रहती थी। उसके पति को ही पता होगा कि करुणा और मेरे नवासी मुंबई क्यों गए थे। क्या नाम है करुणा के पति का? संतोष। उसका एड्रेस और नंबर देंगे आप? जी। एक तरफ पुलिस करुणा और उसके भाई भौमिक से जुड़ी इंफॉर्मेशन जुटा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस उस अज्ञात लाश की पहचान में जुटी थी जिसके बैग से करुणा का फोटो मिला था। उस अज्ञात आदमी की हत्या में भी करुणा का हाथ होने का संदेह था और करुणा के भाई भौमिक की हत्या का कनेक्शन भी करुणा से जुड़ा हुआ नजर आ रहा था। भौमिक की हत्या क्यों हुई ये राज इस केस का दिल दहला देने वाला एंगल था जिसमें भाई बहन के रिश्ते के मार्मिक पहलू तो थे ही पर उससे भी ज्यादा भयानक वो राज था जिसने भौमिक से उसकी पहचान छीनकर उसे भूमिका बनने पर मजबूर कर दिया। करुणा का गायब होना एक रहस्यमय पहेली थी जिसकी गर्त में मजबूरी झूठ और फरेब के कई जाल बिछे थे जिनका साक्षी खुद करुणा का अतीत था और उसके अतीत में ऐसे कई नाम और चेहरे थे जिनसे पुलिस का सामना होना अभी बाकी था। संतोष शिंदे तूच आएगा? वो साहब काय झालं? साहब मेरे और करुणा की शादी नहीं हुई थी लेकिन हम दोनों शादी करने वाले थे। साहब शादी नहीं हुई थी तो तुम्हारी और करुणा की बेटी पारुल? साहब वो मेरी बेटी नहीं है उसके पहले पति की बेटी है। साहब पहला पति कौन? सुमित्रो। उनकी 6 साल पहले शादी हुई थी साहब। मैं और करुणा बस अभी अभी मिले 1 साल हो गया। अरे मैडम कहाँ जाना है बेटो? नहीं मैं बस से चले जाऊंगी। मैडम रात के 12 बजे बस नहीं मिलेगी आपको। वो क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा पर्स चोरी हो गया है और मुझे पुणे रेलवे स्टेशन तक जाना था। ठीक है कोई बात नहीं बेटो। साहब वो जॉब के इंटरव्यू के लिए पुणे आई थी। मैंने उसे रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। उसने मेरा नंबर ले लिया। फिर 1 हफ्ते बाद वो फिर से पुणे आई तो मुझे पैसे लौटाने मुझसे मिली। ये लीजिए। मैडम इसकी क्या जरूरत थी? आपने मेरी इतनी हेल्प की ये तो मेरा फर्ज है। प्लीज रख लीजिए ना। उसके बाद हमारे अक्सर फोन पे बातें होती थी साहब। वो अपने जॉब के लिए पुणे शिफ्ट हो गए। पुणे में कहाँ? वो नहीं बताया साहब उसने। लेकिन कई दिन बाद मुझे बोली कि वो उसका जॉब चला गया। मेरे लिए जॉब ढूंढ ले। मैं कैसा ढूंढता ना साहब। लेकिन मैंने उसको घर पे रख दिया।
साहब, हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए और हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। तुम अगर उससे शादी करने वाले थे तो ये भी जानते होगे कि इस वक्त करुणा है कहाँ? मुंबई में होगी, उसके कजिन के पास। कौन कजिन? मौसमी नाम है उसका। कुछ दिन पहले करुणा और पारुल इसी के पास गए थे, लेकिन बहुत दिन हो गए करुणा का फोन नहीं लग रहा था। करुणा का फोन नहीं लगा तो उसकी कजिन मौसमी को फोन नहीं किया तुमने? नहीं साहब, उसका नंबर नहीं था मेरे पास। संतोष, कुछ छुपा नहीं रहे ना? नहीं साहब, सब सच बोल रहा हूँ साहब। करुणा के भाई के बारे में क्या जानते हो? भाई? भले ही उसका भाई किन्नर था, लेकिन जन्म से तो उसका भाई था ना। क्या, उसका भाई किन्नर था? क्यों, करुणा ने अपने भाई के बारे में बताया नहीं? नहीं साहब, मतलब उनकी बातें होती थी फोन पे, लेकिन उसने बताया नहीं कि उसका भाई किन्नर है। अरे छोटी, तू यहाँ क्या कर रही है? नानी, मम्मी ने कहा था जब वो छोटी थी तब उन्होंने यहाँ रोटी का पेड़ उगाया था। वो पेड़ यही है, इसमें रोटी कब उगेगी? तेरी माँ सच में बड़ी भोली थी। भोली? बचपन में सब भोले होते हैं, लेकिन तेरी माँ जैसी ही बड़ी हो चालाक हो गई। लेकिन तू उसके जैसे चालाक मत बनना, तू हमेशा ऐसी ही भोली रहना। सर, कि करुणा ने अपनी माँ से झूठ तो नहीं बोला था कि उसकी संतोष से दूसरी शादी हो गई थी? अगर वो संतोष से अपने भाई के किन्नर होने का सच छुपा सकती है तो हो सकता है अपनी माँ से भी झूठ बोल रही हो। लेकिन सर, करुणा की माँ ने हमें उसके पहले पति के बारे में नहीं बताया था। अब कौन हमसे क्या छुपा रहा है कमले, ये तो आगे की इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी। फिलहाल तुम करुणा की माँ से ये पता करो कि करुणा की कजिन मौसमी मुंबई में कहाँ रहती है। सर, साहब, मौसमी मेरे दूर के बहन की बेटी है, मुंबई में ही रहती है। मुंबई में कहाँ रहती है? वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास फोन नंबर है उसका। अच्छा, उनका नंबर बताइए। ठीक है। पता नहीं ये करुणा कहाँ गायब हो गए, अब ये बुढ़ापे में क्या क्या देखना पड़ेगा। अरे छोटी करुणा, अपने नाना और मामा का खिलौना छोड़ और आ मेरे पास, इधर बैठ। मेरा एक काम करेगी? हाँ। मेरे कंधों में ना बहुत दर्द है और बर्तन बहुत सारे हैं, तू धो देगी? नानी, मुझे नहीं आता। अरे करेगी तभी तो सीखेगी, तेरी माँ छोटी थी ना तो मेरी हर बात मानती थी। तू बनेगी ना छोटी करुणा? हाँ। अगली बार बोलना 600 लगेंगे। सर, करुणा की कजिन मौसमी का नंबर नॉट रीचेबल है। ठीक है, उसका एड्रेस निकलवाओ। सर। हाँ बोल छिड़के। सर, उस अज्ञात लाश की पहचान हो गई है जिसके बैग से करुणा का फोटो मिला था। सर, उसका नाम देव दीक्षित था और मलाड़ के एनएनसी कॉलेज में प्रोफेसर था। सर, करुणा के भाई की हत्या के 2 दिन बाद कॉलेज अथॉरिटी ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। इस देव के कॉल डिटेल्स निकालो और पता करो इसका करुणा से क्या कनेक्शन है। ओके सर। तुझे देख के मेरी छोटी करुणा की यादें ताजा हो जाती हैं। भगवान करे वो सही सलामत हो। करुणा की माँ की ममता तो स्वार्थी थी, लेकिन उसके गायब होने में उसका स्वार्थ छिपा था या कोई अपराध, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन यह भी सच था कि लाख ज्यादतियों के बावजूद भी उसने करुणा का घर बसाने का फैसला लिया था। लेकिन करुणा का अपने पहले पति से तलाक क्यों हुआ था, इसका जवाब जानने के लिए पुलिस करुणा के पहले पति सुमित्रो से मिली। सर, ये सुमित्रो करुणा का पहला पति। नहीं साहब, करुणा कभी अपने भाई का मर्डर नहीं कर सकती। भले ही उसका भाई किन्नर हो गया हो, लेकिन करुणा को इस बात का कोई शर्म नहीं था साहब। हाँ, दुख जरूर था क्योंकि अपने भाई से बहुत प्यार करती थी साहब, और उसका भाई भी उस पर अपना जान छिड़कता था। मुझे अच्छी तरह याद है साहब, मेरे और करुणा की शादी में उसका भाई बहुत नाचा था। तुम्हारा करुणा और उसके भाई के प्रति जो रवैया है, उससे तो यही लगता है कि तुम करुणा से शादी करके बहुत खुश थे।
तो फिर तुम्हारा और करुणा का तलाक क्यों हुआ? साहब, मैं करुणा को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हम दोनों के बीच हालात ही ऐसे बन गए कि बात तलाक तक आ पहुंची। कैसे हालात? करुणा के पिता जेल से बाहर छूटकर आए तो बिस्तर पकड़ लिया, और उनके दवा दारू का खर्चा करुणा की माँ की हैसियत से बाहर का था। करुणा मुझसे पैसे लेकर उसकी माँ को भिजवाया करती थी। एक तो मैंने दिए साहब, लेकिन फिर बाद में मैंने भी मना कर दिया जी। वो मुझे 10,000 रुपये चाहिए थे। 3 दिन पहले तो तुम्हें 15,000 रुपये दिए थे, और मैं रोज़ इतने पैसे नहीं दे सकता हूँ। और साहब, वैसे ही मैं क्रिमिनल लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। ऊपर से उसका बाप तो अपने ही परिवार पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में अंदर था, और वो लोग उसी को बचाने के लिए मेरा जेब खाली कर रहा था। साहब, मैंने मदद से इनकार कर दिया तो करुणा ने जिद पकड़ ली कि वो मुंबई जाकर नौकरी करेगी। साहब, हमारे खानदान में आज तक किसी औरत ने नौकरी नहीं की। बस इसी बात पर मेरे और करुणा में तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। 2 साल पहले हमने तलाक ले लिया साहब। अपनी बच्ची से भी बात करने का मन नहीं हुआ, या उसके लिए भी अपने आप को रोक लिया? माता पिता के अलगाव का सबसे ज्यादा असर उनके बच्चों की जिंदगी पर पड़ता है, और मौजूदा हालात ये बयां कर रहे थे कि करुणा ने ना सिर्फ अपने पति को छोड़ा था, बल्कि वो अपनी बच्ची को भी मुसीबत में छोड़कर कहीं गायब हो गई थी। और ये भी साफ था कि 2 साल पहले अपने पति को छोड़ने के बाद करुणा अपनी माँ के साथ भी नहीं रह रही थी। संतोष के बयान के मुताबिक करुणा और उसकी बेटी उसके साथ पिछले 1 साल से ही रह रहे थे, तो तलाक के बाद से लेकर संतोष के उसकी जिंदगी में आने तक करुणा कहाँ थी? क्या संतोष के अलावा कोई और मर्द भी था जो करुणा की जिंदगी में आया था? सर, देव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या सर पे भारी चोट लगने से हुई, और उसकी हत्या उसी दिन हुई जिस दिन करुणा के भाई की हत्या हुई। और हत्या वाले दिन देव 5 बजे तक अपने कॉलेज मलाड में था, और कॉलेज छूटने से 1 घंटा पहले अली लीव लेकर चला गया। सर, मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए। 4:45 बजे भाईंदर के एक PCO से उसे कॉल आया, और उसके फोन की लास्ट लोकेशन 6 बजे भाईंदर की थी, जहां से उसकी लाश मिली। देव के फोन रिकॉर्ड्स में से करुणा का कोई कनेक्शन? नहीं सर, फोन रिकॉर्ड से तो नहीं मिला, लेकिन मर्डर लोकेशन से करुणा का कनेक्शन है। क्या? उस शाम करुणा ने भाईंदर रेलवे स्टेशन से वसई की ट्रेन पकड़ी, और करुणा की कजिन मौसमी भी भाईंदर में रहती है। लेट्स गो। मौसमी जी, बोलिए। करुणा कहाँ है? करुणा? वो तो यहाँ नहीं रहती। पता है, वैसे तो उसके परमानेंट एड्रेस बहुत से हैं, लेकिन जब जब वो मुंबई में होती थी आपके साथ रहती थी। 7 दिसंबर को भी वो मुंबई में ही थी। 7 दिसंबर को वो यहाँ नहीं आई थी? हाँ, उसका फोन आया था। मैं मुंबई में हूँ। अच्छा ठीक है, मैं 2 घंटे में तुम्हारे पास आती हूँ। हाँ ओके कूल, मैं वेट करती हूँ। लेकिन सर, वो आई ही नहीं। मैंने उसका फोन ट्राई किया था, पर वो भी बंद था। लेकिन उसके नंबर से तो आपको कॉल हुआ ही नहीं। सर, अब एक मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ। सर ये देखिए, ये उसका मुंबई का नंबर है। अक्सर वो मुझसे इसी नंबर से बात किया करती थी। वो रहने वाली बंगाल की थी, फिलहाल पुणे में रहती थी, तो फिर मुंबई का नंबर क्यों इस्तेमाल करती थी? वो अक्सर मुंबई आया जाया करती थी, यहाँ पे जॉब ढूंढ रही थी, और वो यहाँ शिफ्ट भी होना चाहती थी। लेकिन संतोष तो पुणे में रहता है, तो फिर वो मुंबई को शिफ्ट होना चाहती थी? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता सर। लेकिन इस बारे में तो जानती होंगी कि संतोष से उसकी शादी नहीं हुई थी, फिर भी उसने अपनी माँ को यही बताया था कि संतोष उसका पति है। संतोष के साथ उसका लिव इन रिलेशनशिप था। अब ऐसे रिश्ते बड़े बुजुर्गों के समझ में तो आते नहीं है, तो शायद उसने झूठ बोल दिया होगा। संतोष के साथ उसका लिव इन रिलेशन था, लेकिन इस आदमी के साथ उसका क्या रिलेशन था? छोटी करुणा, अरे ओ छोटी करुणा, अरे कहाँ गई? बेटा, तेरी नानी बूढ़ी हो गई है ना, मेरे कंधों में बहुत दर्द है, मेरे कपड़े धो देगी तो? हाँ नानी। सर, करुणा की कजिन ने करुणा का जो नंबर दिया था, उसके कॉल रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म से कंफर्म होता है कि करुणा और देव के बीच कोई ना कोई रिश्ता जरूर था। उन दोनों के बीच अक्सर कॉल भी होते थे। और सर, करुणा का ये नंबर पिछले 2 साल से देव के मलाड वाले एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, और हत्या वाले दिन से बंद है। इसका मतलब ये हुआ कि संतोष के करुणा की जिंदगी में आने से पहले ही करुणा देव को जानती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका ये रिश्ता ही संतोष के शक की वजह बना हो?
और हो सकता है कि संतोष को इस बात से भी घृणा होती हो कि करुणा का भाई किन्नर था और उसके बावजूद करुणा अपने भाई से लगातार टच में थी। वैसे करुणा के मुंबई शिफ्ट होने की इच्छा भी करुणा और संतोष के रिलेशन को सवालों में खड़ा करती है। देव और भौमि के मर्डर और करुणा के गायब होने में अगर संतोष का कोई हाथ है तो इस एंगल की थ्योरी बनाने से पहले हमें करुणा और संतोष के रिलेशन को ठीक से समझना होगा। संतोष के कॉल रिकॉर्ड्स, उसके पड़ोसियों का उनके लिव इन रिलेशनशिप के प्रति नजरिया, मुंबई और मेहता विला से संतोष का कोई कनेक्शन, सब कुछ अच्छे से खंगाल। सर, पुलिस अब संतोष और करुणा के रिश्ते से जुड़ी इंफॉर्मेशन जुटा रही थी, लेकिन ये सवाल अब भी खड़ा था कि अगर देव और भौमिक की हत्या में संतोष का हाथ था तो हत्या वाले दिन से करुणा अब तक कहां थी। अरे मंजू, कैसी हो मंजू? सेहत तो ठीक ही है, लेकिन बुढ़ापे का क्या भरोसा, शरीर कब साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं। अब तो बस मेरे बुढ़ापे का यही सहारा है। ये करुणा की बेटी है ना, काफी बड़ी हो गई है। इतनी भी बड़ी नहीं हुई, लेकिन हाँ है अपनी माँ की परछाई, आगे चल के अपनी माँ जैसी ही बनेगी। छोटी करुणा। संतोष करुणा से वाकई शादी करना चाहता था या सिर्फ रखैल बना के रखा था? मैं उसे बीवी बनाना चाहता था सर। लेकिन उसे अपनी बीवी बनाने से पहले ही तूने अपनी गृहस्थी उजाड़ ली थी। उसे पीटता था तो उस पर शक करता था। चुप रहने का कोई फायदा नहीं है, तेरे पड़ोसियों से तेरे और करुणा के झगड़ों के बारे में सब पता चल गया। सर झगड़े की वजह वो खुद थी सर, वो मुझसे झूठ बोलती थी और मुंबई चली जाती थी मुझे बिना बताए, और बोलती थी कि उसके कजिन के साथ रह रही हूँ। तो तुझे ऐसा लगता था कि उसका देव के साथ अफेयर चल रहा है? देव नहीं सर, देव भी नहीं माहिती मालूम, लेकिन उसका मुंबई में चक्कर जरूर चल रहा था सर। उसको देर रात को किसी मर्द के कॉल आते थे सर। ठीक है, अरे लेकिन देखो, अरे आमी आपको नाश्ते बाबू ना कल के कोनो बहाना जोड़ देगा, कल के तुम्हें कास्ते ही होगी। ठीक है, आमी कल के पूछे जाओ। अब ये मत बोलना कि तुम मौसमी से बात कर रही थी। मुझे बंगाल नहीं आती, लेकिन मर्द और औरत की आवाज पहचान सकता हूँ मैं। संतोष तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ। इतना सब होने के बावजूद भी वो अगले दिन मुंबई चली गई। साहब उसका भाई किन्नर था ये भी मुझे आपसे पता चला, और उसने अपनी माँ को भी बताया था कि हम दोनों ने शादी की। वो बहुत झूठ बोलती थी साहब। आप अभी बताओ कि ऐसा औरत को कौन बीवी बना सकता है जो हर टाइम झूठ बोलती है। सर मैंने संतोष की अलीबाई भी चेक की, हत्या वाले दिन वो पुणे में ही था। संतोष ने यह भी बयान दिया था कि करुणा का जिससे अफेयर चल रहा था वो उससे बंगाली में बात करती थी, लेकिन देव का सरनेम दीक्षित है तो फिर ये कौन हो सकता है? करुणा का भाई वो हो नहीं सकता, तो फिर कौन हो सकता है? करुणा का पहला पति सुमित्रो या फिर कोई और? पर सर करुणा के वो दोनों नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स छोड़ो कामले, करुणा के जो राज सामने आ रहे हैं उससे तो लगता है कि उसके पास सिर्फ ये दो नंबर्स नहीं और कई नंबर्स होंगे। करुणा क्या चीज थी इसका राज हमें देव के बैकग्राउंड में भी मिल सकता है। ये तो सरासर गलत हुआ तेरे साथ, करुणा तुझे बोल कर गई आएगी और नहीं आई, फिर तूने क्या किया? सर मैं उन्हें ढूंढने गई। मम्मा, मम्मा, मम्मा। मत रो बेटा, मत रो, शांत हो जा और उसे भूल जा, अब से मैं ही तेरी माँ, शांत हो जा। एसएससी और एचएससी सर्टिफिकेट हरियाणा के हैं, हायर डिग्रीज पंजाब की, और रहने वाला था मुंबई का। देव के पेरेंट्स गुजर चुके थे, अपने किसी रिलेटिव के बारे में उसने आपको कभी बताया? नहीं सर, वो एक बैचलर था और मलाड में अकेला ही रहता था। आपने कभी कॉलेज में इस लड़की से उसे मिलते जुलते देखा? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा, पर इसके बारे में उसके कलीग प्रोफेसर प्रतीक, वो आपको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। सर देव ने मुझे करुणा के बारे में तो कभी नहीं बताया, लेकिन हाँ वो बंगाली अच्छी तरह बोलता था। मैंने एक दो बार फोन पर उसे किसी के साथ बंगाली में बात करते हुए सुना था। देखो हमारे संगे तर्क करो ना,
बस तू बहस मत कर मुझसे। अरे यार तू बात क्यों नहीं समझ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं तुझसे रात को बात करता हूं। क्या बात है यार, किससे लड़ रहा था बांग्ला में? बांग्ला? हाँ यार, बड़ी अच्छी बंगाली बोल लेता है तू तो, किसी बंगाली से प्यार व्यार तो नहीं कर बैठा? पागल हो गया क्या तू? मुझे तो बंगला का बी भी नहीं आता। पता नहीं सर क्यों, लेकिन वो हमेशा ये बात छुपाने की कोशिश करता था कि उसे बंगाली भी आती है। सर हो सकता है करुणा के प्यार में देव ने बंगाली बोलना सीख लिया हो। अपने यार को या अपने प्यार को छुपाने की वजह नॉर्मल हो सकती है कमले, लेकिन अपनी जबान को छुपाने का राज कुछ नॉर्मल नहीं लगता। इस देव के सभी सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, जो भी आईडी मिले सबकी अच्छे से जांच करो। सर नानी अब बस, मेरे हाथ दर्द हो रहा है। अरे ऐसी कच्ची कली ना बन, तुझे बहुत मजबूत बनना है। हेलो, मेरी छोटी करुणा एकदम अपनी माँ की तरह मेरा ध्यान रखती है, तो मुझे भी तो तेरा ध्यान रखना चाहिए ना। मैं कल तुझे शहर घुमाने लेकर जाऊंगी, ठीक है? ठीक है नानी। सर देव के सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज फेक हैं, और करुणा से ही नहीं, करुणा की माँ से भी उसका कनेक्शन था, और पिछले 2 साल से उनके बैंक में पैसा जमा कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि करुणा की माँ जैसी दिख रही थी वैसी है नहीं। सर हो सकता है देव और भूमिक और भूमिका की हत्या के पीछे इन दोनों माँ बेटी का हाथ हो, और करुणा की माँ जानती है कि इस वक्त करुणा कहाँ है। नानी मुझे आइसक्रीम खानी है, नानी आइसक्रीम की दुकान तो पीछे रह गई नानी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, इधर आ, तू इधर ही रो, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ, कहीं जाना नहीं, समझी ना। पारुल, पारुल। सर इसका नाम देव दीक्षित नहीं, देवाशीष है। पिछले 2 सालों से हमें इसकी तलाश है, इसके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कई सारे कंप्लेंट है। ये गांव की भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर नौकरी का लालच देता है, उन्हें बड़े शहर बुलाता है और वहां उन्हें वेश्यावृत्ति में डाल देता है। मुंबई में देव बनकर ये करुणा के टच में भी था, इसका मतलब ये हुआ कि करुणा भी वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई थी, और ये अपने अकाउंट से करुणा की माँ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था। कहीं करुणा की माँ ये सब जानती तो नहीं? सर ये औरत तो अभी थोड़ी देर पहले अपनी नवासी की मिशन कंप्लेंट लिखवाई गई। साहब जब करुणा छोटी थी तब मैं उसे देवाशीष के यहाँ झाड़ू पोछे के लिए भेजा करती थी। करुणा के तालाक के बाद देवाशीष ने उसे नौकरी के लिए मुंबई बुलाया, लेकिन साहब मुझे ये नहीं पता था कि देवाशीष लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराता है। तो फिर पहले आपने हमें करुणा के मुंबई जाने का राज क्यों नहीं बताया? करुणा ने ही मुझे बताया था कि 1 साल पहले वो मुंबई छोड़ चुकी है और पुणे में संतोष से शादी कर ली। तो फिर पिछले महीने तक देवाशीष आपके अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर कर रहा था? ये बात भी मुझे करुणा ने ही बताई थी कि पुणे जाने के बाद भी देवाशीष ने उसकी नौकरी लगवाई थी। नौकरी नहीं, धंधा करवाता था उससे। और आपके बेटे को भी ये बात पता थी ना? मुझे नहीं पता कि उसे क्या बात पता थी, मुझे ये भी नहीं पता कि देवाशीष करुणा से क्या करवा रहा था। साहब अगर मुझे पता होता कि ये पैसे उस गंदे काम के हैं तो मैं कभी हाथ नहीं लगाती साहब। मुझे तो ये सोच के भी धक्का लग रहा है साहब कि उसने मेरी करुणा से वेश्यावृत्ति करा। भोली बनने का नाटक मत करो, सच सच बताओ करुणा की बेटी को कहाँ बेचा? ये क्या बोल रहे हैं साहब आप, मेरी नवासी का अपहरण हुआ है। अपहरण तो एक ड्रामा है, साफ साफ बताओ कहाँ है करुणा की बेटी? भरे बाजार में दिन दहाड़े में मेरी नवासी का अपहरण किया है किसी ने, आप चाहे तो बाजार में जाकर पता कर सकते हैं।
ये औरत बहुत चालाक है। पता करो पिछले कुछ दिनों से ये किस किस के टच में थी, और उस बाजार से भी पूछताछ करो जहां से ये पारुल के किडनैप होने की बात कर रही है। कामले, मुंबई पुलिस से कहो कि देवाशीष और देव दीक्षित के सभी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करो। ये बात तो अब क्लियर है कि करुणा को मेहता विला भेजने वाला ये देवाशीष ही होगा। लेकिन सर, हत्या देवाशीष की हुई और करुणा फरार है या किडनैप, यह कहानी को समझ में नहीं आ रही सर। कहानी तो अभी करुणा के भाई की हत्या की भी समझनी है कि वो मुंबई उससे मिलने गया था या उसे धंधे से निकालने के लिए। पर फिलहाल करुणा की बेटी को प्रायोरिटी दो, इससे पहले हमारी पहुंच से बाहर हो जाए, हमें उसे ढूंढना है। सर, एक तरफ पुलिस करुणा की बेटी की तलाश में जुटी थी तो वहीं दूसरी तरफ ये पता लगाया जा रहा था कि कहीं देवाशीष उर्फ देव का करुणा के भाई भौमिक से तो कोई कनेक्शन नहीं था। सर, आप जो भूमिका के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं वो गुरु जानते हो। कौन गुरु? मेरे उस्ताद। उन्होंने भूमिका को बॉम्बे जाने के लिए पैसे दिए थे। भौमिक बड़ा ही नेक लड़का था साहब, देवाशीष से उसका कोई कनेक्शन नहीं था। देवाशीष तो सालों पहले अंडरग्राउंड हो गया था। लेकिन हाँ साहब, आज भी एक दलाल देवाशीष के लिए काम कर रहा है। कौन दलाल? पार्थो। 10 साल पहले पार्थो के जरिए ही करुणा देवाशीष के घर जाने लगी थी, और भौमिक को किन्नर बनाने वाला पार्थो ही था साहब। साले, अपनी बहन का रक्षक बनता है ना, अब देखता हूँ तेरी रक्षा कौन करता है। पकड़ इसको। साहब, ये सब बातें हमें भौमिक नहीं बताई थी। मैंने तो उसको कहा था कि चल तू मेरे साथ पुलिस में चल, लेकिन बेचारा भौमिक अपनी बहन की बदनामी से डरता था साहब। पर साहब, हमने उसकी बहन को पार्थो के चंगुल से बचाने के लिए उसकी माँ का जीना हराम कर दिया। ए मंजू, अपनी बेटी गंदा कमाई खाती है, तू शर्म नहीं आती तुझे? अरे तू तो हमसे भी गई गुजरी निकली है। तुम लोग यहाँ से जाते हो कि मैं बताऊँ? एक बात कान खोल के सुन ले मंजू, अगर तूने अपनी बेटी की शादी जल्दी नहीं कराई ना तो पूरे गाँव में ढिंडोरा पिटवा दूंगी और बताऊंगी कि अपनी बेटी से क्या क्या करवाती है मोई कहीं की। फिर साहब, बदनामी के डर से उसकी माँ ने करुणा की शादी सुमित्रो से कर दी। भौमिक बहुत खुश था साहब। फिर किस्मत का फेर देखिए साहब, 4 साल के बाद ही करुणा का सुमित्रो से तलाक हो गया। फिर उसके बाद बड़ी चालाकी से उसकी माँ ने करुणा को मुंबई भेज दिया। पर साहब, थोड़े ही दिन पहले भौमिक को पता चला कि मुंबई में करुणा का देवाशीष के साथ मिलना जुलना था। फिर वो अपनी बहन को गाँव वापस बुलाने के लिए मुंबई गया था। फिर ऊपर वाला जाने साहब, उसका मर्डर किसने किया? देवाशीष और देव के प्रोस्टिट्यूशन नेक्सस में पार्थो ही नहीं, बंगाल के कई दलालों का नाम सामने आने वाला था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस पार्थो को अरेस्ट करती, वो फरार हो चुका था। लेकिन पार्थो और करुणा की मां की सांठगांठ का राज जानने के लिए पुलिस ने करुणा की मां को पूछताछ के लिए तलब किया। इसी दौरान करुणा की बेटी के किडनैपर से जुड़ी एक इन्फॉर्मेशन भी सामने आई। हाँ साहब, उस आदमी को देखते ही लगा मुझे वो आदमी गड़बड़ है साहब। उसे बच्ची को किडनैप करते हुए देखा? बच्ची को अगवा करते हुए तो नहीं देखा साहब, लेकिन हाँ, वो उस औरत और उस बच्ची का पीछा कर रहा था। उसका स्केच बनवा सकते हो? जी साहब, बनवा सकते हैं। आप उन किन्नरों की बातों में आकर एक माँ पे शक कर रहे हो? तुम पार्थो से लगातार टच में थी? वो मेरा गाँव वाला है, मेरी उससे सालों से बातचीत थी। और पार्थो कई सालों से गाँव की लड़कियाँ सप्लाई कर रहा था। सच सच बोल दो वरना बुढ़ापे में हड्डियाँ टूट जाएंगी। हड्डियाँ तोड़नी है तोड़ दो, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। सर, सर, करुणा की बेटी की किडनैपिंग में जिस संदिग्ध का स्केच सामने आया है वो करुणा का पिता सुब्रतो सिद्धर है। अरे बेटा, बेटा मैं तुम्हारा ना, बेटा मैं नाना हूँ। अरे सुनो, अच्छा मैं बैठू? बेटा थोड़ा 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 सा भूख लगी है ना, खा लो थोड़ा सा। अरे बेटा मैं तुम्हारा ना, बेटा मैं नाना हूँ। अरे अरे बेटा ना, चलो चलो चलो।
साहब, मैं उसका अगवा नहीं करता तो वो कमी नहीं करुणा की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देती। तूने अपने बच्चों की जिंदगी कौन सा सवार रखी थी? अपने बीवी बच्चों को पीटने के जोर में जेल गया था तू? उस औरत ने मुझे इतना चिड़चिड़ा बना दिया था साहब कि मैं अपने ही बच्चों पर हाथ उठाने की भूल कर बैठा और उसने मुझे जेल भिजवा दिया। जेल से आने के बाद मुझे पता चला वो औरत अपने ममता की भी हत्या कर चुकी। उसने मुझे मेरे अपने घर में नहीं घुसने दिया। चल निकल यहाँ से, निकल, चल निकल यहाँ से, निकल। आज के बाद यहाँ पे अपनी शक्ल मत दिखाना, अगर दोबारा आया ना तो पुलिस को बुला लूंगी, समझा ना? चल निकल, निकल यहाँ से, चल। करुणा की दोषी भी वही औरत है और भूमि की गुनहगार भी वही है। उस औरत की वजह से ना मैं अपने बेटे को मुंह दिखाने के लायक रहा और ना ही मेरा बेटा नजर उठाने लायक। इसके बावजूद भी उसने अपनी बहन का घर बसा दिया, लेकिन ये भी उस औरत को बर्दाश्त नहीं हुआ साहब। करुणा की शादी के बाद वो मुझसे माफी मांगकर मुझे वापस घर ले आई। उसका ये बदला हुआ रूप देखकर मैं हैरान रह गया, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। वो मेरी बीमारी का झूठ बोलकर करुणा के जरिए अपने दामाद से पैसे मंगवाती थी। दोनों के तलाक के बाद उसने करुणा को मुंबई भेज दिया और मुझे दोबारा धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। भौमिक तो अब नहीं रहा। मेरी करुणा को ढूंढ दीजिए सर, उस औरत ने जरूर उसे किसी वेश्यालय में भेज दिया होगा। सर, हमने देवाशीष और देव के सारे कॉन्टेक्ट ट्रेस किए, उसमें से एक नंबर सामने आया है जो कई दिनों से बंद है और यह नंबर किसी वर्षा जैन के नाम से रजिस्टर्ड है। सर, ये वर्षा बोरीवली के साईंधाम सोसाइटी में रहती है। सब इंस्पेक्टर शिरके उसके घर पे गया था लेकिन घर पे ताला लगा था। शिरके ने उसके पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि वो विधवा है और अपने दो बच्चों के साथ वहाँ पे रहती है। कहीं ये दो बच्चों की विधवा माँ देवाशीष और देव के लिए प्रोस्टिट्यूशन तो नहीं कर रही थी? सर, मैंने वर्षा की हाउसिंग सोसाइटी के पिछले दिनों के सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। सर, ये उस दिन की फुटेज है जब करुणा की बेटी मेहता बिला के बाहर मिली। करुणा को बुराई बीच में किन्नरों के साथ देखा गया था और अब इसका भाई यहाँ, कहीं प्रोस्टिट्यूशन के इस नेक्सस में किन्नरों का कोई कनेक्शन तो नहीं है? सर, इस कनेक्शन के साथ साथ करुणा की माँ का कनेक्शन भी समझना होगा। मतलब? हत्या वाले दिन वर्षा ने करुणा की माँ को कॉल किया था। अब भी अगर सच नहीं बोला तो सच में तेरी हड्डियां टूटेंगी। बोल, करुणा कहाँ है? चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। पार्थो गिरफ्तार हो चुका है, उसने सब उगल दिया है कि पिछले 10 साल से तो अपनी बेटी से धंधा करवाती थी। दादा, मुझे जाने दो दादा। क्यों? तेरी मां ने तुझे नहीं बताया कि तुझे 500 रुपए क्यों मिलेंगे? दादा, मुझे जाना नहीं। देवाशीष जब इस गांव में था तब भी वो करुणा का शोषण करता था और उसके बाद करुणा को मुंबई देवाशीष के पास तूने ही भेजा था। करुणा का भाई 10 साल पहले अपनी बहन को बचाना चाहता था और अब 10 साल बाद वो मुंबई क्यों गया ये भी तो अच्छे से जानती है। तू करुणा को परेशान करने से बाज नहीं आएगी ना? अरे, तू मुझ पे क्या इल्जाम लगा रहा है? भूमिक को पता चल गया था करुणा मुंबई में नौकरी नहीं बल्कि देवाशीष उससे धंधा करवा रहा था। वो देवाशीष का मुंबई का एड्रेस और फोन नंबर लेने आया था, लेकिन साहब मुझे नहीं पता कि उसे किसने मारा। करुणा का भाई वर्षा के पास क्यों गया था? उसे जान से मारने। तेरे किन्नर बेटे ने देवाशीष का मर्डर कर दिया और यहाँ मेरे घर मुझे भी मारने आया था। अगर वो करुणा को लेकर गांव आता है तो उसे और करुणा को शांति से बिठाकर समझा देना। वर्षा और देवाशीष करुणा के लिए ग्राहक लाते थे, देवाशीष करुणा का पैसा मेरे खाते में डालता था। करुणा कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब, वर्षा को पता होगा। और वर्षा कहाँ मिलेगी? नहीं पता साहब।
अपनी बहन की इस बदहाली से भौमिक को सबसे ज्यादा आघात पहुंचा। लेकिन वर्षा का हवाला देकर मंजू ने जो बयान दिया कि देवशीष का मर्डर भौमिक ने ही किया है, क्या इस बात में कोई सच्चाई थी? अगर देवशीष का मर्डर भौमिक ने किया था तो फिर भौमिक की हत्या किसने की थी? वर्षा कहाँ फरार थी? करुणा कहाँ थी? क्या वो जिंदा भी थी या फिर किसी नर्क में सड़ रही थी? सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि वर्षा के पति का वापी में एक घर है, शायद वो अपने बच्चों के साथ वहां पर छुपी हो। लेट्स गो। सर, मैं सच कह रही हूँ, देव का मर्डर करुणा के भाई ने ही किया है। तू अकेला क्यों आया? करुणा कहाँ है? पहले ये बता, तूने मुझे ऐसी सुनसान जगह पे क्यों बुलाया? बोल करुणा कहाँ है, नहीं तो मैं पुलिस को सब बता दूंगा कि तू देव नहीं देवाशीष है। पुलिस की धमकी किसको दे रहा है? चल निकल। धमकी नहीं, जान से मार दूंगा। बोल करुणा कहाँ है? छोड़ता के नहीं मुझे। बोल करुणा कहाँ है? तू मार देगा मैं। चुप चुप छोड़ रही। मर्डर करने के बाद ही वो मेरे घर आया था। करुणा कहाँ है? तुम कौन? करुणा कहाँ है बताने तो देवाशीष की तरह तेरी भी जान लूंगा। और उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे बच्चों को देखकर उसने मुझे छोड़ दिया। फिर मैंने उसे बता दिया कि करुणा को मैंने अपने क्लाइंट के पास मेहताबिला भेजा था। उसके बाद वहाँ क्या हुआ, करुणा कहाँ गई, मुझे कुछ नहीं पता सर। क्लाइंट कौन? जयेश कहाँ है? जयेश यहाँ नहीं रहता। जब से वो फ्रॉड केस में जेल गए ना, हमने उसे नाता ही तोड़ दिया है। नाता तोड़ दिया या फिर जेल जाने से बचाना चाहते हैं उसे? वर्षा के बताए क्लाइंट का फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिल रहा था, लेकिन पुलिस उसकी मिली फोटो के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वसई से वलसाड़ और वसई से मुंबई जाने वाले रास्तों में जितने भी टोल नाके हैं, हत्या वाली रात की सबकी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद वो कहीं कैप्चर हुआ हो। और इस जयेश की पिछले कुछ दिनों की फोन लोकेशन चेक करो। सर, जयेश का फोन हत्या वाली रात से बंद है, उसकी लास्ट लोकेशन वसई की थी। सर, हत्या वाली रात जयेश विराट टोल नाका क्रॉस करके मुंबई आया था, ये वहां की सीसीटीवी फुटेज। तो ये अकेला नहीं था, हो सकता है मेहता विला में इसके साथ ही दोनों भी हो। पता करो ये कार किसके नाम रजिस्टर्ड। सर, नहीं मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। अरे नारायण भाई, इसे पूरा तो निचोड़ चुके हैं, काट के फेंक देते हैं कहीं। अरेस्ट करो इन्हें। मम्मा, अपने घर है। बता क्या पिएगी, बियर या विस्की? सब साथ में मिलके पिएंगे और साथ में मजा करेंगे। ये सब क्या है?
देखो सब देखेंगे। सुन, इन दोनों के पैसे मैं तुझे अलग से दे दूंगा। बुलाया क्या किसी को? गरीबी का हवाला देकर करुणा की मां ने न सिर्फ करुणा का बचपन उससे छीना, बल्कि करुणा के भाई की बदहाल जिंदगी और बदहाल मौत की वजह भी करुणा की मां ही बनी। देह व्यापार से निकलने के बाद करुणा का संघर्ष अब भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। अपनी बेटी के भविष्य और दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए उसे अब भी लड़ना है। उसकी मासूमियत जितनी भी सच्ची थी, लेकिन इस हकीकत से उसका सामना हो चुका था कि रोटी और पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत से कमाए जाते हैं। अपने मुंह का निवाला दूसरे के मुंह में डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम हम दूसरों का निवाला छीनने वाले तो ना बने। हम इतने भी सस्ते ना हो जाएं कि किसी की भूख का सौदा करने लगे। अगर हम मिल बांट कर नहीं खा सकते तो मजबूरों की भूख से अनजान तो ना बने। माना कि देश की आर्थिक असमानता को ठीक करना हमारे अकेले के बस में नहीं है, लेकिन कम से कम इंसानों में तो समानता बनाए रखने की सोचें। कभी भूले भटके ही सही हम अपने आप से ये पूछकर तो देखें कि क्या इंसानियत के प्रति हमारा रवैया वाकई में सही है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।